So guys, welcome back to the another part of my Joy Travels videos. So हम यहाँ फंस चुके हैं गाज़ा वाली रोड पे. बहुत ही ज़्यादा गहरी आप देख सकते हो बर्फ़ पड़ी हुई है. वीडियो बाद में बनानी. और दुआ तलाना, दुआ तलाना. तो यहाँ पे कैमरा भी टेढ़ा हो चुका है मेरा. बहुत ही ज़्यादा जोर लग रहा है गाड़ी को पुश करने के लिए. यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है -15 राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली. और बहुत ज़्यादा ठंड के कारण हमसे गाड़ी भी पुश नहीं हो रही है. इट्स सो कोल्ड कि मैं अपना मोबाइल भी नहीं पकड़ सकता इतनी ठंड में. इतना मुश्किल हो चुका है यहाँ पे. और ये हमारी ट्रिप की जस्ट शुरुआत थी. अभी तो पूरा रास्ता पड़ा है भाई लोग यहाँ से गाज़ा पहुँचने के लिए. आगे पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा. भाई गाड़ी चढ़ानी बहुत मुश्किल है. क्या आप सुन सकते हैं कैसे पैरों की आवाज़ आ रही है बर्फ़ के साथ? इतनी सॉलिड बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे. पूरे व्यूज़ कैप्चर हो रहे हैं यहाँ पे. और दानिश भाई अपने ही मज़े में हैं. सो यहाँ से लांगजा पहुँचने के लिए स्पीति वैली से दो रास्ते हैं. एक तो ईजियर वे है कि हम शिमला में की रोड से स्पीति पहुँचे, ठीक है. और 12 मंथ्स ही ओपन रहती है रोड. और नारकंडा, रामपुर, पू, नाकोटाबो से होके हम काजा पहुँचेंगे. और काजा के बीच में आपका लांगजा भी आएगा. तो इट्स अबाउट 440 किलोमीटर्स एंड इट विल टेक एटलीस्ट टू थ्री डेज बाय रोड. सो द सेकेंड वे इज टू रीच स्पीति बाय मनाली, जो कि आप मिड मई और मिड अक्टूबर में भी जा सकते हैं. और वो लेकिन क्लोज होता है. और रोहतांग और कुंजुम पास और काजा, फिर आप लांगजा पहुंचेंगे. और टोटल डिस्टेंस आपका 215 किलोमीटर्स रहेगा. सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको रेगुलर बसेस भी अवेलेबल हैं शिमला एंड मनाली टू काजा एंड देन काजा टू लांगजा के लिए. शिमला से डेली बस जाती है शाम को 6:30 बजे, जो कि आपको काजा पहुंचा देती है अगली दिन मॉर्निंग में. सो आपकी ओवरनाइट कंप्लीट जर्नी वो पूरी कर देगी. अगर मनाली से जा रहे हैं तो 2 डेली बसेज इन द मॉर्निंग जाती हैं, दैट अराइव्स काजा, शाम तक आपको पहुंचा देंगी. एंड फ्रॉम काजा देर इज़ डेली बसेज अवेलेबल, जो कि आपको लांगजा विलेज के लिए लेके जाएंगी. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा एक शार्प टर्न्स ले रहे हैं. और आपको देख सकते हैं कि भी आपकी बर्फ़ जो है वो इतनी हार्ड है कि गाड़ी के टायर्स भी स्लिप हो रहे हैं कभी राइट और कभी लेफ्ट. पर जो भी है सारे फ्रेंड्स अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. और एंजॉय ही करना चाहिए लाइफ में. दिन निकालो और घूमने जाओ काजा. भाई धूप भी बिल्कुल एकदम शार्प हो रही है, सीधा आंखों में पड़ रही है. लगता है बिल्कुल हम सूरज के पास पहुंचने जा रहे हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता बिल्कुल ही ड्राई है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है पड़ रही है रास्ते में. तो सारी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो चुकी है. और ऐसे बीच बीच में रास्ते आते रहेंगे आपके पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी और दूसरी साइड मिलेगी जस्ट कॉज ऑफ सनलाइट. तो आप अगर शिमला और मनाली कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सीधा पहले हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा
विच इज़ नोन एज काजा। काजा से आप स्पिटी वैली की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो लांगजा विलेज पहुंचने के लिए आपको ड्राइव करनी पड़ेगी अराउंड 16 किलोमीटर्स, जो कि आपकी कुछ घंटे की ड्राइव होगी अगर रूट्स बिल्कुल ओपन होते हैं, लाइक मिड में और मिड अक्टूबर तक आपके रूट्स बिल्कुल ओपन होते हैं, एकदम ड्राई रास्ता होता है, बर्फ़ नहीं होती है। तो काजा मनाली हाईवे से आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो हम भगवान का नाम लेके यहाँ से चल पड़े हैं आगे और गाड़ी में बैठे हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है लेकिन एक्साइटमेंट भी है, एक्साइटमेंट से गर्मी भी आ रही है, तो इट्स ऑल कंपेंसेटरी राइट नाउ। और गाड़ी की पूरी जान निकली हुई है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। नीचे से इंजन से ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे अंदर बाहर ठंड है और अंदर पानी उबल रहा है, मतलब लाइक मिक्स्ड फीलिंग चल रही है गाड़ी की भी। आई होप इतनी पावर हो कि हमें लांगजा तक पहले पहुँचाए, फिर हिकीम कॉमिक तो बात ही बात है। और आप देख सकते हो बर्फ़ के नज़ारे राइट और लेफ्ट, आपको सेम चीज़ दिखेगी, ऑल वाइट, ऑल वेनीला टाइप्स। मतलब आना है तो दिसंबर के महीने में आओ यार, इंजॉय करोगे इतनी बर्फ़ में। आई मीन जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जैसे कि लाडी भाई ने बोला कि टायर्स के निशान जो बने हुए हैं, आप गाड़ी उसी में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वहाँ पे बर्फ़ कम होगी जहाँ से गाड़ियाँ गुजरी हैं। तो आप भी ट्राई ऐसे ही करना कि आपकी जो रूट है वो उन्हीं टायर्स के निशान में रहे, आपके टायर्स गाड़ी के, ताकि वो स्मूथली एक ही डायरेक्शन में जाए। ज़रा हादसा हम ट्रैक से इधर उधर होते हैं तो गाड़ी भी लेफ्ट राइट जाती है, बहुत रिस्की है, एक तरफ खाई है भाई। यार हम
और लाडी भाई यहाँ पे भोलेनाथ को याद करते हुए जय भोलेनाथ। तो रास्ता बहुत खतरनाक है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुहावना भी है, तो मिक्स से रास्ते मिक्स से ज़िंदगी, बस क्या कहना गाइस। चलते रहो, रुको ना, टाइम निकालो अपने लिए और यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, देखो लाइफ को कहाँ कहाँ दुनिया बसी हुई है। इधर रोड किथे है साली, हैं इधर रोड कहाँ है भाई? ये लंगजा है गाइस, लंगजा। ये लंगजा नहीं है, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। ये भी ऑन द वे टू लंगजा है और आप देख सकते हो कि पीछे यहाँ पे ये देखो, ये दिखा रहा है छीछम ब्रिज जो कि आगे ही है। देखते हैं ये हमें लोकल क्या गाइड करता है। बाकी गूगल मैप पे आ जाएगा। हां फिर वो उसमें कॉमन कॉमन पहुंच जाएगा कॉमन से, फिर 1 किलोमीटर इधर को तो बर्फ ऐसे ही, उधर भी बर्फ इतना ही कम है, इतना ही है। उधर तो धूप पड़ रही है, धूप लगा खुला है। ये पहले लंगजा जाएगा, लंगजा से फिर इधर से कॉमिक को जाएगा, दूसरा दूसरा फिर वापसी। ठीक है सर, थैंक यू। हमारा आगे बढ़ना ही सही है, रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे
यार काम करने के गड्डी चढ़ जाऊंगा। होटल होने सामने होटल मैं ही मना कर देना सी। 1.75 minutes. सारा कवर किया जाएगा क्योंकि रास्ता दोबारा नहीं चढ़ा होना प्रॉब्लम भाजी। ये मैं ना बहुत वड्डी वीडियो बननी है, जिवें एक फुल कैमरे होंगी है ना वड्डी, सारी कन्वर्ट करके भेजूंगा मैं, और ये एक बार च नहीं आनी, पार्टली भेजूंगा मैं ग्रुप। ठीक है, टाइम करो इस चीज़ में यार, क्योंकि आईफोन चो पहला पाना ही बहुत औखा कॉन्टेंट कंप्यूटर च, फिर कन्वर्ट करना अलग टाइम लगना। कन्वर्ट मैं डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर ना, दो ढाई GB का पेड वर्जन, मैं दसदा OBS स्टूडियो च रिकॉर्डिंग करना। आपां जाना भाजी सीधा ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी सीधा इस की वाला होना जो है सस्ता। मैं यूज करता डाविंची रिजॉल्व, देख पढ़ो सब तो टॉप मोस्ट है सॉफ्टवेयर वीडियो वही एडिट करने वास्ते कंप्यूटर च, वड्डे वड्डे बहुत वड्डे वड्डे बंदे यूज करते हैं डाविंची रिजॉल्व, फ्री नहीं हैगा पेड हैगा 1000 दे करीब है, 1500 दे करीब है महीने का, नहीं एक बार सब्सक्रिप्शन फिर तो ठीक है। क्योंकि अपडेट आऊगी ना, अपडेट आती है फिर उस पैसे फ्लोर जाते ही नहीं है भाई, थोड़ा घट कर लो यार पैर भी कम कर रहे हैं नीचे बोर्ड दिखे हाँ ठीक है पूरे सुन पैर बाहर निकलना ना काम होना खराब ढाके निकल खराब हो गए पानी कि जा रहा है छोटी जी चो वो बनाई हुई है जगह जी उस पानी गड्डी ढकी हुई है कहता थोड़ा जहा इधर कर लो अस इधर कट लाँगे। सो लोकल्स यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स यूज करते हुए हमें गाइड भी कर रहे हैं और पास ऑन भी करेंगे पूरा रिस्क लेके, लेकिन हमें सेफ रखेंगे, इतना
अच्छा बिहेवियर है इनका और इतने रिस्पेक्टफुल हैं यहाँ पे। मैंने जितने भी यहाँ पे लोगों से बात करी है सब रिस्पेक्टफुल और एकदम हेल्पफुल थे। ओ बैठो भाई, गड्डी निकल रही जे। निकल जूगा हैगा रास्ता सीधा ही है, आधे निकल आज तो ही है। नहीं नहीं तो नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। वाली कोई भाई ला के निकल जाती है मेरे भाई, कुछ ही बोलते नहीं भाई की गल होगी। कोई बस भाई से एक गल करना, ब्रेक मार दे। अमृत भाजी की गल होगी, पत्थरी हिंदी आ, पत्थरी तो नहीं हिंदी तेरी, ठीक हाँ। बाड़ी से का गर्म आ गया है अपने वाला, तो मैं मफलर है। रास्ता देख लो गाइस कैसा है, ये खतरनाक। फाइनली लग रहा है हम किसी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। 2 मिनट और धीरे धीरे चलते जाओ, अपनी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच ही जाओगे। कछुए की चाल चल रहे हैं अभी इस टाइम हम। आई डोंट नो पूरे दिन में तीनों लोकेशंस कवर होंगी कि नहीं। हाँ हम तो लगते हैं कि बीच में फंस गए हैं। लेफ्ट मुड़ा ना? हाँ लेफ्ट कह रहे हैं। काजे वास्ते किधर जाना मेरा पाने? इधर ही होना, आ रहे हैं लंगजा। हाँ? एक मिनट भाई, लोकेशन बाहु। की लोकेशन बाहु? टेंपल की लोकेशन, टेंपल की। हाँ फटे पाला भाई। देखिए आप बाहर का व्यू, तब तक एकदम आइसक्रीमी। पहुंच गए हैं यार। ले रहे पावर बैंक पैंट देखी। मेरी वाली बैटरी कटा हो गई है उसी थारी। एंड्रॉइड अभी वो ही जा वे। मैं अपना ज़्यादा बैटरी खप दी है। हाँ ब्रो किधर हो? नहीं नीचे जाना है क्या? नीचे थोड़ी जाना होगा, ऊपर ही जाना होगा। नीचे नहीं है कि भाई कोई लोकेशन? नहीं नहीं यही यही पर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वापस हमको काजा जाना है, काजा फिर वापस जाना पड़ेगा। तो गाड़ी गाड़ी मोड़ूंगा कैसे अभी? फिर लेके जाऊंगी। अच्छा ऐसे राउंड में ही उधर को पैदल जाना पड़ेगा उधर से। बोलते हो फिर वापसी का रास्ता कॉमिंग का, कॉमिंग नहीं जाया जाना? नहीं तू तो समझे नहीं रास्ता की है, इतने आने तो बाद की सीगा। पर जो रास्ता वापस जाना है ना वो ढलान हैगी है, वो रस्ते के बीच ही कॉमिंग कुमिंग ये वो सब बीच ही आना वो। बाकी आप कन्फर्म कर लेंगे क्योंकि मैप के हिसाब से सर्कल जाइए ना, सेम रस्ते तो वापस नहीं आना, आप अगे भी वापस जाना है। सो हम फाइनली लंगजा पहुंच गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लंगजा का व्यू दिखाएंगे। डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। चलो भाई चलो।